बीएचयू ट्रॉमा सेंटर परिसर में वृहद पैमाने पर पौधरोपण किया गया। सृजन सामाजिक विकास न्यास 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल गंगा टास्क फोर्स एवं एनसीसी बीएचयू के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। ट्रॉमा सेंटर के कैंपस व रमना में 2 दिनों में 22,000 पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर सरोज चूड़ामणि रहे तथा विशिष्ट अतिथि महेंद्र मिश्रा उप कमांडेंट केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल प्रोफेसर बाल लखेंद्र एनएसएस बीएचयू कालिका सिंह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत गंभीर रहे। इस दौरान सभी ने पौधरोपण करते हुए पर्यावरण में सक्रिय भागीदारी हेतु तथा पौधों की सुरक्षा का संकल्प लिया। ये आज का जो कार्यक्रम है ये वृक्षारोपण और सुंदर काशी और हरी भरी काशी बनाने के तहत है। हमारे हॉस्पिटल में आज की तारीख में आज के दिन 3,000 वृक्ष लगाए हैं। हमारी मान्यता है, सांस्कृतिक मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि एक पौधा जो है 10 कोटि के समान होता है। और पौधा जो है ये प्राकृतिक इतनी बढ़िया फैक्ट्री है प्रदूषण दूर करने की, कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमको ऑक्सीजन पैदा करते हैं। बड़े होते हैं तो इनके हर अंग से मेडिसिनल वैल्यू है, कोई ना कोई दवा कोई ना कोई रोग उनका खत्म है। तो ये इतनी बड़ी प्राकृतिक संपदा हम बढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ग्रीन काशी बनाएंगे, स्वच्छ काशी बनाएंगे और पर्यावरण की सेवा करेंगे। लगातार मैम ट्रामा सेंटर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, तो इसी जनता को कैसे जनता को संदेश अपने घरों में भी जहाँ पे भी आसपास जगह उनको मिल सकती हो जरूर पौधा लगा, पेड़ जरूर लगा। बीएचयू में प्रकृति के लिए जो चेतना है और ट्रॉमा सेंटर नया परिसर का वृक्षादार पौधों वृक्षों की कमी थी, इस बात को सजग होगी। हम लोग ने कुछ एनजीओ से संपर्क किया और वो सहसार सरकार की वृक्ष कोशिश जमीन लगवाई।